राधे राधे, हरे कृष्णा। राजस्थानी तीज त्योहार रेसिपी में देखिए, आज एक नींबू का और उपाय बताते हैं, जिसमें जो बिजोरा नींबू है और अभी चल रहा है अगस्त, तो अगस्त में आना चालू हो गए हैं दुकानों पे, तो देखिए मैं बहुत महंगा है इस टाइम पे। अभी ये 200 रुपये किलो है, 50 रुपये का ये एक नींबू है, तो इसको हम काटेंगे और बताएंगे पत्री का इलाज। देखिए क्या पता अभी के हैं, क्या पता नहीं रखे हुए हैं, अभी तो आ रहे हैं, पर इतना ज़्यादा रस नहीं है इसमें, तो रस इसका निकालेंगे, प्लेट में निकालते हैं। रस ही नहीं निकल रहा इसमें, दबाने ऐसे निकलेगा इसका। तो देखिए इस टुकड़े को इसमें डालेंगे और इसमें निकलेगा। वैसे बहुत टाइट रहता है नींबू, वो वाला नींबू बहुत। निकल रहा है इस तरीके से। तो देखिए मैंने आधा नींबू को इधर अलग कर दिया है और आधे नींबू को मैंने इस तरीके से छिलका निकाल लिया है, और ये इस तरीके से। और अब हम रस निकालेंगे इसका, क्योंकि ये हाथ से निचुटता नहीं है, बहुत टाइट होता है नींबू, और लग रहा है ऐसा कि रस है नहीं इसमें, लेकिन रस इसमें है। काफ़ी गर्मी के भी रख देते हैं, अब दुकान वालों को कौन कह सकता भाई, काट के तो देख नहीं सकते अपन लोग। इसको सारा इसमें निचोड़ लिया है रस इसके अंदर, और इस तरीके से। और बाकी का हम जो इसमें डालेंगे, ये छिलके है ना, जो छिलके नहीं, वो जो गुद्दा है ना, इसमें रस है अभी, सारा इसमें डाल देंगे। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है जो पानी, ये रस्ता इसमें निचोड़ लिया है, और इसी को भी हम बीज निकाल के इसी में डालेंगे, और इसमें डालेंगे सादा नमक, और नमक डालने के बाद में और 2 चम्मच नमक डाल सकते हो आप इसके अंदर, यह है सादा नमक। तो अब इसके का ढक्कन लगा देंगे हम, और इसको इसको दबाते हुए ये देखिए इस तरीके से ये भी हमारा आ जाएगा इसमें, और रख देंगे। और जब भी आपकी इच्छा करे इसमें से निकाल के आप पानी में डाल के गुनगुने पानी में पी सकते हैं, क्योंकि नींबू रख नहीं सकते वैसा, वो सूख जाता है, तो इस तरीके से रख ले मैं। और इसके लिए बनाएंगे हम 1 गिलास रस, तो ये डालेंगे हम इसमें पानी में, और हम बना रहे हैं ठंडे पानी में। और आप बनाना है, आपको पत्री के लिए बनाना है, तो आपको है ना गुनगुने पानी में बनाना है, और गुनगुने पानी में बना के और आपको नमक डाल के पीना है, ये देखिए इस तरीके से। 1 गिलास में 1 चम्मच रस भर के डाल के, और आपको खाली पेट पीना है, वो भी आपको सुबह सुबह, और उसके बाद में खाना आपको 1 घंटे बाद खाना है। तो इस तरीके से मैंने और भी वीडियो बनाए हैं पथरी के, उनसे भी बहुत फ़ायदा होता है, तो आप ज़रूर देख लेना। और इस तरीके से ये नींबू आने लग गए हैं, और जब मैं लेने गई तो उन्होंने बोला दुकान वालों ने कि आपके घर में किसी के पथरी है, मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो बनाती हूँ, रेसिपी बनाती हूँ, तो इसलिए मैं लेके जाती हूँ। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। राजस्थानी तीज त्योहार रेसिपी में देखते रहिए, और अगर मेरा उपाय अच्छा लगता है और आपको फ़ायदा होता है, तो मुझे कॉमेंट जरूर करना और लाइक करके रखना।